हेलो गाइस, सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 फैशन टिप्स टू लुक मोर स्टाइलिश। एंड मैं आपके साथ कुछ फैशन मिस्टेक्स भी शेयर करूँगी जो मोस्टली गर्ल्स एंड वुमेन्स करती हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो टिप नंबर 1 इज डू राइट पेयरिंग। राइट पेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सही कलर कॉम्बिनेशन एंड बैलेंस करके पहनेंगे तो आप सिंपल एंड कैजुअल वेयर में भी स्टाइलिश लग सकते हैं। एंड मोस्टली गर्ल्स यही मिस्टेक करती है, बट यू शुड अवॉइड दिस मिस्टेक्स। यू शुड अवॉइड लूज टी शर्ट्स विथ लूज जीन्स और पैंट्स, एंड यू शुड ऑल्सो अवॉइड फिटेड टॉप्स विथ फिटेड जीन्स। आप लूज टी शर्ट्स या टॉप्स के साथ फिटेड जीन्स पहन सकते हैं, और अगर आप फिटेड टॉप्स प्रेफर कर रहे हैं तो आप लूज पैंट्स या जीन्स ट्राई कर सकते हैं। आप वाइड लेग बूट कट एंड मॉम जीन्स ट्राई कर सकते हैं, एंड पैंट्स में आप लूज पैंट्स एंड कुलॉट्स ट्राई कर सकते हैं। देन आर टिप नंबर 2 इज हेयर स्टाइल। तो हम कपड़ों को बैलेंस करते करते हेयर स्टाइल तो भूल ही जाते हैं। हम न्यू ड्रेसेस तो पहन लेते हैं बट हेयर स्टाइल पर इतना फोकस नहीं करते, या हम रॉन्ग हेयर स्टाइल रॉन्ग आउटफिट के साथ कर लेते हैं। एंड मैनी पीपल डू दिस मिस्टेक, बट ट्रस्ट मी गाइज, हेयर स्टाइल इज अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ अ फैशन, एंड हेयर स्टाइल चेंजेस योर लुक इंस्टेंटली। मैं ये नहीं बोल रही कि आप हैवी हेयर स्टाइल्स कीजिए, बट आप कैजुअल वेयर पर भी बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल कर सकते हैं, एंड दिस मिनिमल चेंजेस हेल्प्स यू टू इन्हांस योर लुक। देन टिप नंबर 3 इज वेयर व्हाट सूट्स यू। अब आप ये सोचेंगे कि ये कैसे टिप है, हमें जो पसंद आता है हम वो पहन लेते हैं। बट गाइज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। आपको कपड़े अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही पहनने चाहिए। एंड कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं कि आउटफिट तो बहुत ही अच्छी होती है बट उनके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो वो इतनी अच्छी नहीं लग पाती। सो यू शुड गो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। देन टिप नंबर 4 इज यूज बेल्ट। नॉर्मली लूज जीन्स के लिए हम बेल्ट यूज़ करते हैं, सो आपको बेल्ट यूज़ करने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर आउटफिट। एंड देर आर मैनी ऑप्शन अवेलेबल, एंड मैंने कुछ प्रोडक्ट के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड बेल्ट आप सिर्फ जीन्स के साथ ही नहीं, आप अपनी अदर आउटफिट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। एंड आप इस टाइप की चेन एंड पोल बेल्ट भी ट्राई कर सकते हैं। इस टाइप के बेल्ट भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। यूजुअली बेल्ट आपके वेस्ट को डिफाइन करते हैं, सो आप अपनी आउटफिट के अकॉर्डिंग इन बेल्ट को प्रेफर कर सकते हैं। देन टिप नंबर 5 इज एक्सेसरीज। लुक को और इन्हांस करने के लिए आप एक्सेसरीज यूज़ कर सकते हैं, बट डोंट डू दीज मिस्टेक्स। डोंट पुट हैवी ज्वेलरी इन कैजुअल वियर्स और हैवी ईयरिंग्स ऑन कैजुअल वियर्स, यू शुड अवॉइड इट। कैजुअल लुक के लिए आप स्टूडेंट ईयरिंग्स या हुप ईयरिंग्स ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही मॉडिश लगते हैं। एंड फॉर नेक, या तो आप इस टाइप की चेन यूज़ कर सकते हैं, ये ऑनलाइन मिल जाएगी, मैंने लिंक नीचे प्रोवाइड की है तो आप देख सकते हैं। देन आप वॉच भी पहन सकते हैं टू इन्हांस द लुक ऑफ योर आउटफिट। इसके बाद टिप नंबर 6 है फुटवेयर। सो फुटवेयर भी आपको अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग ही पहनने चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आपको हर आउटफिट के साथ एक अलग फुटवेयर चाहिए। कुछ कलर्स हैं जो आपके मैक्सिमम आउटफिट्स पर मैच हो जाएंगे। एंड मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक करते हैं कि उन्हें लगता है कि ब्लैक फुटवेयर सभी आउटफिट्स पर मैच हो जाएंगे, बट ब्लैक सभी आउटफिट्स पर मैच नहीं होते हैं। तो आप इस टाइप के लाइट कलर्स के फुटवेयर ले सकते हैं, लाइक बीच कलर, ऑफ वाइट कलर, एंड इंग्लिश कलर्स गो वेरी वेल विथ योर आउटफिट। एंड आप अपनी ड्रेस टाइप के अकॉर्डिंग फुटवेयर पहने, चाहे आप हील्स, शूज, फ्लैट्स, सैंडल्स, लोफर्स, बेलीज, कुछ भी पहने। एंड अगर आप कंफर्टेबल हील्स ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको 2 हील्स रिकमेंड करूँगी, वेज हील्स एंड ब्लॉक हील्स। दे बोथ हील्स आर वेरी कंफर्टेबल, एंड यू डोंट हैव टू बाय वेरी हाई हील्स। दिस मीडियम हील्स आर वेरी कंफर्टेबल एंड क्लासी, सो यू कैन गो फॉर इट। देन आर लास्ट टिप, टिप नंबर 7 इज टक टी शर्ट और टॉप्स। सो इफ यू आर वियरिंग लूज टी शर्ट्स, शर्ट्स और टॉप्स लाइक दिस, सो यू कैन टक योर टी शर्ट और टॉप इन योर जीन्स। दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू टू लुक एलिगेंट एंड स्टाइलिश। सो गाइज, दीज आर 7 टिप्स टू एनहांस योर लुक, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड डाउट्स, सो यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स।